शुक्रगुजार है अहमद भाई का कि अहमद भाई ने जो है इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है उसको स्कर्दो में लॉन्च में लोग आ रहे हैं शंगरीला में। शंगरीला में तकरीबन रोजाना का तकरीबन 14-15 लोग आ रहे हैं। जब हम शंगरीला में आ चुके हैं, रात का टाइम है 12 बजे का, यहाँ एक प्रोग्राम चल रहा है उस सिलसिले में। मैं शंगरीला में मौजूद हूँ और शंगरीला में माशाल्लाह एक हफ़्ते का हमारे पास हमने बुकिंग हुई हुई एक हफ़्ते की, और एक हफ़्ता हमने शंगरीला में रहना है। इसमें हमारे जो गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए भी है और कुछ प्रोग्राम भी है, तो वो प्रोग्राम भी हम करेंगे इसमें शंगरीला में। और आपको यहाँ पर बहुत सी खूबसूरत जगह भी हम आपको शंगरीला में दिखाएँगे। ये रात का टाइम है, रात के आपको खूबसूरत मंदिर में दिखाता हूँ। जा रही है और रेस्टोरेंट की तरफ हमें यहाँ पे बारबेक्यू वगैरह। और ये देखे, ये हम आपको दिन को भी दिखाएंगे और रात को भी। ये हेली खड़ा हुआ है, ये एक जहाज डेमो के तौर पे रखा हुआ है। ये देखे, ये हम आपको दिन के टाइम भी दिखाएंगे क्योंकि एक हफ़्ते के लिए हम इधर ही है। हमारे जो जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए हमने पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, और यहाँ पे एक हफ़्ते का प्रोग्राम है जिसमें डीजे वगैरह और मुख्तलिफ प्रोग्रामात रखे हुए हैं। और ये वो खूबसूरत पानी है, ये दिन के टाइम मज़ा आएगा आपको देखने का, हम आपको ये दिन के टाइम दिखाएंगे। ये भाई आप क्या कर रहे हैं? हम नदी को झाड़ लगा रहे हैं। अच्छा जी, वाह, तो उसकी तैयारियां कर रहे हैं, शंगरीला में लगा हुआ है तो उसका खाने का अरेंजमेंट है और उनका कॉन्फ्रेंस वगैरह है, उसके अलावा यहाँ पे कोई सेमिनार वगैरह है, तो इस हवाले से हम बस छोटा सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जी, मैं आपसे कुछ कह रहे हैं, हम शुक्रगुजार हैं अहमद भाई का कि अहमद भाई ने जो है इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है उसको स्कर्दो में लॉन्च किया है और स्कर्दो में लाया है। शुक्रिया। बहुत तारीख की सबसे बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है, और एज ए वॉलंटियर हम अहमद भाई के काम जो है वो हम खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, और इंशाल्लाह हम इसको बेहतर से बेहतर क्वालिटी के साथ जो है अहमद भाई का इंशाल्लाह नाम भी रोशन करेंगे, ताकि अहमद भाई इस कस्म के 10 प्रोग्राम जो है वो स्कर्दो में लेंगे। इमरान भाई का शुक्रगुजार हूँ कि ये फुल हमारा साथ दे रहे हैं, क्योंकि स्कर्दो में जितने भी मामला होते हैं वो ये इमरान भाई और मुनीब संभालते हैं। और इस टाइम शंगरीला पे मैं मौजूद हूँ, ये सेटअप यहाँ तैयार हो रहा है, और अभी जब ये तैयार हो जाएगा फिर इंशाल्लाह मैं आपको शंगरीला की सारी खूबसूरती और यहाँ पर जो प्रोग्राम हो रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और इस टाइम रात के 1 बज चुके हैं और हम शंगरीला में इस टाइम मौजूद है, ये तैयारी कर रहे हैं सारी यहाँ पे। अभी 2 दिन मौजूद है हमारे, 2 दिन में आपको और बहुत सी खूबसूरत चीज़ें दिखाएंगे। ये हमने हमारे मेंबर्स ने सारे ही कंप्लीट कर चुके हैं, ताकि जैसे हमारे मेंबर जब आएंगे तो यहाँ एक प्रोग्राम हमने रखा है, तो वो प्रोग्राम यहाँ पर रहेंगे, और यहाँ से प्रोग्राम के बाद ये पानी पर जाएँगे, वहाँ इंजॉय करेंगे, खाना शाना वहाँ पर सेटअप लगेगा। तो बाकी इंशाल्लाह मैं आपको इसके वीडियो के साथ साथ सारी ये तफसील आपको दिखाऊंगा मैं।
मौजूद हूँ और ये स्कर्टो से तकरीबन 30 किलोमीटर के मुसाफत पे है। तो आज से दो दिन पहले भी मैं जब सेटअप करवा रहा था, हमारी कॉन्फ्रेंस चल रही है तो ईरान पर इशारा उसको हैंडल कर रहे हैं, तो उस टाइम भी रात के टाइम हमने सारी सीटिंग की थी। तो आज से हमारा काम स्टार्ट हो गया, हमारे मेम्बर्स कॉन्फ्रेंस बाद में बैठे हुए और आज स्कर्टो में बहुत खूबसूरत मौसम है। बैक साइड से ये शंगीला का जो रेस्टोरेंट बना हुआ पानी के बीच में, खासकर इसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इस खूबसूरत जगह को और इस रेस्टोरेंट को जो पानी की खूबसूरत सतह पे बना हुआ है। तो अभी बहुत ज़्यादा मेंबर्स यहाँ पे आए हुए हैं जो इस एरिए से आए हुए हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं और जो हमारे साथ है वो 50+ मेम्बर्स है कॉन्फ्रेंस कॉल में। और आज का मौसम भी बहुत ज़बरदस्त मौसम है आज, और आज 15 अगस्त है। इसके अलावा बाकी भी आपको अंदर की बहुत खूबसूरत जगह दिखाती है। अगर आप शंगरीला में कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करना चाहते हैं या आप इधर आना चाहते हैं घूमने के लिए, तो हमारे नंबर नीचे चल रहे हैं, आप उनसे रब्ता भी कर सकते हैं और हम आपको टोटल हर चीज़ का जो एक मुनासिब पैकेज भी आपको देंगे। मैं आगे चल के मैं आपको शंगरीला के अंदर की बहुत सी खूबसूरत चीज़ें दिखा। जैसे ये मेरी बैक साइड पे देख सामने बिल्कुल फ्रंट पे देखेंगे आप, यहाँ पे एक पुराना जहाज़ खड़ा किया हुआ है जिसके अंदर लोग बैठते हैं और इंजॉय करते हैं। ये अभी फिल वक्त पहुँच किया हुआ है। इस तरह के बहुत से खूबसूरत जो है वो जगह यहाँ मौजूद है। हम इसके अंदर तो पुराना इसकी एक स्टोरी है जो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। स्टोरी बहुत पुरानी स्टोरी है, अभी इसका सेटअप मौजूद नहीं है। जब आप इसकी बुकिंग कराएंगे तो इसके अंदर ये टेबल्स वगैरह खाने पीने का सारी सेटिंग करके आपको ये देंगे। तो आगे और भी खूबसूरत जगह मैं आपको दिखाता हूँ। बैक साइड पे बनेगा ये पानमीट है जो रूम्स वगैरह इनके है मुस्लिम है, इसमें 25-30% जो है प्राइस नहीं 24 आवर्स। ये जो झील है शंगरीला की, ये 40 फीट गहराई है इसकी, तो इसलिए हमें डिटेल रखनी पड़ती है कि बहुत से हमारे मेम्बर्स पूछते हैं तो अगर हम नहीं बताएंगे तो कहेंगे कि ये ऐसे बस लग रहे हो। ये इसकी जो फिट है वो 40 फीट गहराई है, इसके अंदर नहाने नहीं ले सकते। बोर्डिंग है, आप 3 बोर्डिंग आप कर सकते हैं, बोर्डिंग के इसकी प्राइस है इनके इसकी ज़्यादा खूबसूरती नज़र आती है इन पहाड़ों की वजह से, कि इन पहाड़ों का जो अक्स है वो इस पानी के ऊपर। ये जो आप देख रहे हैं ये इनके रूम्स वगैरह हैं, इनके मुख्तलिफ प्राइस है,
और इसी तरह ये आगे हम जाएंगे तो ये सारे एक साइड पे इनके बने हुए हैं, एक साइड पे लैदा बने हुए हैं। और इधर फल बहुत ज़्यादा तादाद में लगे हुए, इससे मुख्तलिफ जो आप तोड़ेंगे तो आपको तोड़ना से मना नहीं करेंगे। ये पुराना पत्थर इन्होंने यहाँ पे मौजूद है, इस 2020 से। और ये रेस्टोरेंट है ऊपर आप जो देख रहे हैं, ये गुलाब के फूल लगे हुए हैं। एरिया ये है बारबेक्यू का, यहाँ पे आग शाग लगा के मच जला के यहाँ पे किया जाता है। और ये वो पुराना मॉडल जहाज सीटिंग, और ये बैठने की सीटिंग है आपके बैठ के खूबसूरत जगह देखने के लिए। और उसके अंदर एक ये शॉप बनी हुई है जिसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं, चादरें वगैरह, पुराने दौर की चीज़ें लगी हुई सारी। बैडिंग सीटिंग हो, इसके सर के ऊपर देखे ये अंगूर लगे हुए हैं, ये भी कच्चे हैं, बिल्कुल सर के ऊपर आपके। अब यहाँ बैठेंगे और यहाँ से आपको ये आपके सर के ऊपर नज़र आएंगे। और ये सारे लोग इस टाइम एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। ये हमारे भाई है, ये गुजरात शहर के हैं और ये हमें शंगरीला में मिले हैं। हम इनसे पूछते हैं, भजन आपका नाम क्या है? नदीम नाम है सारे। नदीम, आप गुजरात के? जी जी जी, मैं शहर। नदीम भाई, यहाँ आप कितनी देर रहते हैं शंगरीला में? शंगरीला में हम मार्च में आते हैं सर, और नवंबर में जाते हैं। अच्छा, 7-8 महीने के लिए? जी जी। तो फिर उसके बाद गुजरात में काम शाम करते हैं? जी, गुजरात में चले जाएँ या इस्लामाबाद चले जाते हैं। तो यहाँ कितनी तादाद में लोग आ रहे हैं शंगरीला में? शंगरीला में तकरीबन रोज़ाना का तकरीबन 1400-1500 लोग आ रहे हैं। 1400-1500 लोग जी। और इसमें ये आपसे अगर पूछे ये टिकट कितनी की यहाँ की? टिकट तो 1000 रुपये की टिकट है। एक की जी? ठीक हो गया। और इनके जो रूम्स वगैरह है ये कहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं? ये हमें नहीं इलम इनका, लेकिन ये पीछे से बुक हुए होते हैं, हमें क्रिएट करना पड़ा। गुड हो गया। तो बाकी आप यहाँ ठीक है, खुश है? अल्हम्दुलिल्लाह। मजदूरी वगैरह ठीक मेरी आपकी? बिल्कुल बेहतरीन। कुछ आप पंजाब वालों को पैगाम देना चाहे अपने शहर वालों को? बेहतरीन माहौल है जनाब, इधर आप आए घूमें फिरे, अच्छा माहौल है शंगरीला का भी। गुड, बहुत अच्छी चीज़ यहाँ की, मैनेजमेंट भी है ठीक है। आपको सबसे अच्छी चीज़ यहाँ की क्या लगी? हमें यहाँ फ्रूट अच्छा है और ये शंगरीला अच्छा है सबसे। तो ये फ्रूट तोड़ने से मना तो नहीं करते? सारी बात है, पाबंदी है, ऐसे अगर देंगे किसी को मौका तो वो तो खाली हो जाएगी, तो एकदम से खाली हो जाएगा जितना। ठीक हो गया। यहाँ लोग यहाँ देखे इतने सेब लगे हुए, ये यानी कि इसको तोड़ के खा नहीं सकते? नहीं खा सकते हैं। ठीक है, इजाज़त से, इजाज़त लेनी पड़े जी। बहुत शुक्रिया आपके भाई जी, आप हमारे गुजरात के, आपसे मिल के बहुत खुशी हुई, थैंक यू जी। यहाँ पूरा बाग ही सेब का लगा हुआ है, सेब ही सेब है, देखे सेब ही सेब, गोल्डन सेब, कहीं पक रहे हैं कहीं पक चुके हैं, ये देखें ज़बरदस्त, कुछ कच्चे हैं, कोई पक्का नज़र आएगा तो हम तोड़ने की कोशिश करेंगे। और आज मैंने आपको ये शंगरीला का पूरा सेटअप दिखाया है, इसके अंदर सारे प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं, और इसके जो प्राइस है वो भी आपको बताइए कि ये 25 और 30 के में तकरीबन बनता है। और इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दें, फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। आज तक की शंगरीला की वीडियो ये अब तक की यही है, मैंने आपको नीचे से भी सारी वीडियो दिखाई है और इसके सर के ऊपर से भी जहाँ से ये दिलनुमा नज़र आता है वो भी मैंने आपको दिखाई है। और दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।
हैं।